बॉबी झा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नज़र आज की हेडलाइन पर। मैंने कल एसेट की बात की, कुछ लोगों ने ये थिएटर का सेट समझ लिया। आडवाणी को टिकट नहीं देकर भाजपा ने उनका अपमान किया। जाने महाराष्ट्र में कब, कहां और कितने चरणों में होगा मतदान। अब खबरें विस्तार से। अगले महीने होने वाले आम चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली आज मेरठ में हुई। इस रैली के जरिए PM ने चुनाव अभियान की शुरुआत की। इस रैली से प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर करारा वार किया। अंतरिक्ष में बुधवार को कीर्तिमान रचने को लेकर PM मोदी ने कहा कि अगर कोई थिएटर में नाटक देखने जाता है तो वहां सुनाई देता है कि क्या सेट तैयार है, सेट लगा दो, ऐसा सुनाई देता है। थिएटर में सेट शब्द कॉमन होता है। कुछ बुद्धिमान लोग ऐसे हैं कि जब मैंने कल एसेट की बात की तो वे कंफ्यूज हो गए। बुद्धिमान लोगों ने एसेट की बात को थिएटर के सेट की बात समझ ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भाजपा के स्तंभों में से एक बताते हुए कहा कि प्रत्याशियों की सूची से उन्हें स्थान नहीं देना दिग्गज नेता का एक अपमान है। उन्होंने राजनीतिक दलों को अपने वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। आडवाणी जी एक वरिष्ठ व्यक्ति है और उन्हें कैसे दरकिनार किया जा सकता है। निश्चित रूप से यह आडवाणी जी का अपमान है। चुनाव आयोग की तरफ से 17वीं लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार को और तेज कर दिया। 11 अप्रैल से 19 मई होने जा रहे मतदान के बीच अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टियां किसी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जनसभाएं कर पार्टी के लिए जनता से वोट की अपील की जा रही है। 23 मई को मतगणना की जाएगी। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।